तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री के हाथ, प्रधानमंत्री ताल देते हुए, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है शो टेंपल में, बहुत ही खूबसूरत विभोर करने वाली ये तस्वीरें। एक तरफ शी जिनपिंग भारत की सांस्कृतिक पारंपरिक विरासत से रूबरू होते हुए, जब से वो एयरपोर्ट पहुंचे, चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे करीब 2 बजे, उसके बाद से अतुल्य भारत की कई झांकियां उन्हें देखने को मिली है, कई तस्वीरें उन्हें देखने को मिली है, और हमने देखा है वो काफी रिलैक्स दिखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उनके बीच एक तरह की केमिस्ट्री देखने को मिली है। दोनों ने करीब 10 बार, जी हाँ, 2 घंटे से भी कम वक्त में करीब 10 बार हाथ मिलाया। एक जगह दोनों को जो कि बटर बॉल थी कृष्णा की, वहां पर इन दोनों को हाथ उठाए देखा गया, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। तो अभी तक जो हुआ है आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि कैसे नारियल पानी का मजा लिया है प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकर। दोनों की अगर अटायर की बात करूं, कपड़ों की बात करूं, तो बहुत ही इनफॉर्मल कपड़े, पारंपरिक ड्रेस प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे, हाथ उठाकर, तो वहीं शो टेंपल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसका मजा लेते हुए और भारतीय संस्कृति को और ज्यादा करीब से जानते समझते हुए। ये वो तस्वीर है, ये बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां से देखिए अब आपके स्क्रीन पर, अब उन्होंने बाकायदा ब्लेजर पहन लिया है। उससे पहले की तस्वीरों में आपने देखा काफी इनफॉर्मल लग रहे थे, तो शो टेंपल की ये तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें, भव्य तस्वीरें, और इस खबर से जुड़ी हर जानकारी, हर तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। साथ ही इसकी एनालिसिस, इसका संपूर्ण विश्लेषण भी हम आपके सामने कर रहे हैं। देखिए अभी ये परफॉर्मेंस को सराहते हुए, ताली बजाते हुए, ना सिर्फ आप शी जिनपिंग को देखें, उनके साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है, करीब 90 ऑफिशियल्स हैं उनके इस डेलीगेशन में, तो वो भी इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का मजा लेते हुए। और दोनों देशों के बीच जो कल्चरल रिलेशंस हैं, जो रिश्ते हैं, वो करीब 2000 साल पुराने हैं। आपको चाइनीज यात्रियों के ट्रैवलॉग्स पता होंगे, आपने पढ़े होंगे इतिहास में कई बार, और साथ ही जो चाइना में मॉन्क की जो मॉन्क की सीरीज है, उसमें जो मॉन्क की लिस्ट है, उसमें से कुछ गुरु साउथ से ही गए, इनफैक्ट महाबलीपुरम से गए। तो ये भी हम आपको कल्चरल परफॉर्मेंस की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और साथ ही इसका विश्लेषण भी हम आपके लिए कर रहे हैं। 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ हैं। हमारे साथ सोगावकर जी लगातार बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ आशुतोष जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की तरफ झुकाव, और साथ ही हमारे साथ टीआर रामचंद्रन साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा भी है। सचिन, क्या माना जाए ये प्रोग्राम, ये जो कल्चरल प्रोग्राम है, ये खत्म हो गया है और अब भोज की तैयारी है, अब क्या क्या कुछ बाकी है यहाँ पर? ये अपने हिसाब से जो पहले वक्त था उस हिसाब से तो अब तक डिनर शुरू हो जाना चाहिए था, जो पहले ऑलरेडी वक्त दिया गया था 6:45 वाज द टाइम, जो डिनर यहीं पर होना था, इसी यहीं पर बीच के बिल्कुल बगल में ही है जो डिनर होस्ट किया गया है। लेकिन ऑलरेडी इतनी तन्मयता थी और इतनी ज्यादा हम ये कहें कि इनफॉर्मैलिटी थी पूरे माहौल में, वहां पर अर्जुन पहने से लेकर के वो नारियल पानी पीने से लेकर के वहां पर टेम्पल के शोर तक, जहां पर बहुत ठंडी हवा चलती है, बहुत अच्छी हवा चलती है, सी ब्रीज बहुत कमाल की होती है, और कुछ सी ब्रीज का आनंद लेते हुए दो दोस्तों को पता ही नहीं लगा कि टाइम कब आगे निकल गया। और अब यह कहा जा रहा है कि अब लगभग प्रोसीड करेंगे अगले 5 से 7 मिनट के लिए उस ऑफिशियल डिनर के लिए, वरना पहले यह था कि 7:20 तक का कार्यक्रम था कुल मिलाकर के, आज तक का 7:20 पर यह कार्यक्रम, 7:30 तक यह कार्यक्रम खत्म हो जाना था डिनर का, लेकिन डिनर अभी अब शुरू होगा। अब उस डिनर में भी 40-45 मिनट लगे या उससे भी ज्यादा लगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट यह होगा कि आज के दिन तो यूं है कि जैसे मिल लेने दो आराम से, दोस्ती से, कल सुबह जिसे कहते हैं बिजनेस टॉक्स, डेलीगेशन टॉक, 1-to-1 टॉक होंगी, वो सुबह से ही हो जाएगा। यहां से शी निकल जाएंगे, उसके बाद शी का काफिला जिस रास्ते से आए थे वो चेन्नई के लिए वापस चले जाएंगे, पीएम यही रहेंगे ताज को फिशरमैन को में, और उसके बाद सुबह सुबह शी फिर वापस आएंगे अपने काफिले के साथ, फिर डेलीगेशन लेवल टॉक होगी। मेरे ख्याल से अभी कार्यक्रम आधा घंटा और चलेगा डिनर को मिला करके। बिल्कुल सचिन, अपने दर्शकों को हम इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ में तस्वीर खिंचवाते हुए, की तस्वीरें देखी थी, उसके बाद पंचरथ मंदिर की तस्वीरें देखी, अब ये शो टेम्पल जहां पर ये बड़ा कल्चरल परफॉर्मेंस रखी गई थी, कार्यक्रम रखा गया था, उसी में शिरकत करते हुए आपने प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन यहां पर सोगांवकर जी, आपसे मैं जानना चाहती हूं, ये तस्वीरें, ये इनफॉर्मैलिटी, एक तरीके से कहें जो तस्वीरें जो बाहर निकलकर आनी थी, वो तस्वीरें, वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जो हेरिटेज को विजिट्स थे, जो उनके विजिट्स प्लान थे,
तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हमारे दर्शकों को, वो एक फर्स्ट फेज खत्म हो गया, अभी आप कैसे आंक रहे हैं इसे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब शी जिनपिंग चीन से होंगे चाहिए तो उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि उनका इतना भव्य और इतना अच्छा स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। और जिस तरीके से उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, मुझे लग रहा है ये उनकी शायद बहुत लंबे समय तक उनके जहन में ही हो, बैठक में बाकी बातें आगे बढ़ाएंगे। आशुतोष जी आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर। मुस्कुराना तस्वीरें तो चलिए अच्छी बात है ना, आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आई ये तस्वीरें। नहीं, ये मुस्कुराहट इस बात की है कि हम लोग कितने भोले हैं। जिनपिंग एक यथार्थवादी तानाशाह है और इनके लिए चीन के इंटरेस्ट जो होता है वो सर्वोपरि होता है। तो हम ये सोचे हैं कि उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाएंगे, घूमेंगे और उसको उनको रिझा लेंगे, ये अपने मन को बहलाने की बात है। छोटी सी बात, अतिथि देवो भव। नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए सर। जब शी जिनपिंग वुहान में प्रधानमंत्री को घुमा रहे थे तो यानी चाइनीज भोले थे वो? आप वहां भी आपको भोले आप ही थे कि आप सोच रहे थे कि इन्होंने आपको घुमा दिया, आपने जो है घूम लिया, उनके साथ चाय पी ली, तो वो आपके मन की बात करेंगे, आपके इंटरेस्ट की बात करेंगे। नहीं करते चीन ने ऐसा कभी नहीं किया है और यहाँ भी हमें चीन से बच के रहना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताएंगे, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट तक कैसे पहुंचा? अगर चाइना नहीं चाहता था तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट तक एफएटीएफ की कैसे पहुंचा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि फिर जो है पाकिस्तान मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट कैसे डेजिग्नेट कराया गया? नहीं नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ। अगर चीन नहीं चाहता तो कश्मीर का मुद्दा वो कैसे जो है उठाने की कोशिश करे? एकमात्र चीन एक देश था जिसने पाकिस्तान को ये सवाल उठाने दिया वहाँ पे, क्यों नहीं चीन ने मान दिया? हर जगह तो वो जो अपने वीटो इस्तेमाल कर लेता है, चीन ने हर बार वीटो उठा ले सकता है। और ये चीन ने कहा कि कश्मीर पे हम नजर रखे हुए हैं, नजर बनाए हुए रखे, इसका मतलब क्या है? देखिए आशुतोष जी, फैक्ट्स पे मैंने आपसे दो सवाल पूछे सर और दोनों का जवाब आप जानते हैं। और फैक्ट्स पे मैंने आपको जवाब, उसके बाद वाला फैक्ट आप बता दीजिए। सर फैक्ट मैंने भी आपको स्टेट किया है, आप सुनते तो है नहीं सर, आप सुनते तो है नहीं। ये तो आप मानते हैं ना चाइना को हिंदुस्तान की जरूरत है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? चाइना क्या वो रिश्ता हिंदुस्तान की मर्जी के बिना एग्जिस्ट हो सकता है? या आप मुझसे ये कह रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि चाइना को हिंदुस्तान की कोई जरूरत नहीं? रिलेशन जब चूज करना होता है तो वो जाके पाकिस्तान में, मौजूदा वर्ल्ड में चाइना को हिंदुस्तान की जरूरत है या नहीं है? बस आप कहते हैं, सर साहब बताइए ना मुझे। आप इस विश्व में तो जो है हर एक देश को दूसरे देश की जरूरत है। जब आप जो है मार्केट, आप एक मार्केट ऑफर करते हैं तो हर सेल्समैन बेचने चाहता है। आप अपने मुद्दे पर आ गए, आप तो चाइना को हिंदुस्तान की जरूरत है ना, मानते हैं ना आप ये बात? नहीं नहीं मानते, चाइना को हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है, केवल आपके बाजार की जरूरत है। नहीं तो बाजार के लिए वो केवल जो है आप जब हाँ में हाँ मिला के उसकी कंपनियों को यहाँ खोलने देते हैं तब तो वो आता है, लेकिन जहाँ पे स्ट्रैटेजिक आपको उसकी जरूरत की जरूरत होती है तो ना वो आपको यूएनएससी में घुसने देगा ना एनएसजी में घुसने देगा, हमेशा पाकिस्तान। मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ, पूछ लीजिए। हाँ, एनएसजी यूएनएससी में घुसने से आपको क्या इतना बड़ा मिल जाएगा जो आपको अभी तक नहीं मिला है, बताइए? तो आप क्यों घुसना चाहते? बताइए, आप ये मोदी जी को पूछिए क्यों घुसना चाहते? क्यों घुसना चाहते? आप पूछिए ना, कांग्रेस गवर्नमेंट क्यों घुसना चाहती थी, कुछ नहीं मिला। आप कह दीजिए, मोदी जी कहते कि भाई हमें यूएनएससी में जाने की जरूरत नहीं है, हमें एनएसजी में जाने की जरूरत नहीं है, कह दीजिए। दूसरी चीज आप फायदा नहीं है तो बताइए ना, क्यों चाइना ने मसूद अजहर को क्यों आतंकवादी घोषित कर दिया, बताइए? आप ये बताइए पाकिस्तान को यूएन में क्यों कश्मीर का मसला उठाने लिया? आप ये जवाब दीजिए, प्रश्न के जवाब में उत्तर दीजिए। प्रश्न का आपके उत्तर इसी प्रश्न में है, नहीं प्रश्न के आप प्रश्न का उत्तर समझ गए हैं और आप कांग्रेस इधर उधर गन्नी काट रहे हैं, कांग्रेस के जवाब आपको मिल गया है कि रसियत क्या है? तो जी ट्रूथ सर, ट्रूथ कांग्रेस की स्थिति सर, मैं आपसे तो डिप्लोमेसी डिस्कस करूंगी, ठीक है सर? वो पॉलिटिकल उस पे उनका जो है वो पॉलिटिकल आर्गुमेंट ड्रिवन है, वो ठीक है, लेकिन अपने दर्शकों को भाई उनके काम की बात करते हैं ना, डिबेट उन्हीं के लिए, मेरे और आपके लिए तो है नहीं, तो उनके काम की बात करते हैं। दरअसल जिन दर्शकों ने अपने टीवी सेट सभी ऑन किए हैं, जल्दी से हम उन्हें दिखा देते हैं कि 5 बजे से लेकर 7:09 तक क्या कुछ हुआ है। की ऐसी तस्वीरें सदियों में एक बार देखने को मिलती हैं।
दशकों में दो बड़े देश के शासक ऐसे एक बार मिलते हैं। सालों में दो दोस्त परंपरा और कूटनीतिक रिश्तों की पुरानी लकीरों को छोड़कर एक दूसरे का स्वागत करते हैं। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आज ना प्रोटोकॉल का तामझाम था, ना दुनिया की कूटनीति की परवाह। आज जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े साम्यवादी देश के नेता की अगुवाई की, तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सदियों तक याद रखी जाएंगी। दिन में तकरीबन 2:15 बजे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की अनौपचारिक यात्रा पर चेन्नई पहुंचे। चेन्नई के कुछ ही दूर महाबलीपुरम में पीएम मोदी अपने दोस्त शी जिनपिंग का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल वेशभूषा में थे। उन्होंने तमिलनाडु का पारंपरिक वस्त्र पहना हुआ था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे ही महाबलीपुरम पहुंचे, पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें रिसीव किया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और इस दौरान काफी हल्के फुल्के मूड में दिखे। इसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग महाबलीपुरम में अर्जुन की तपस्या स्थली देखने पहुंचे। पीएम मोदी यहां की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में चीन के राष्ट्रपति को जानकारी देते नजर आए। इसके बाद पीएम यहां की प्राचीन दीवारों के बारे में बताते दिखे। पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को कृष्णा बटर बॉल दिखाया और पुरम में पंचरथ का भ्रमण किया। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति को इस दर्शनीय स्थल के बारे में जानकारी दी। इसे पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था और इन स्मारकों को 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट के किनारे चट्टान पर उकेरा गया था। यहां दोनों नेताओं ने नारियल पानी भी पिया। इसके बाद दोनों नेता शो टेंपल पहुंचे। शो टेंपल में भी पीएम मोदी जिनपिंग को टेंपल के बारे में बताते रहे। दोनों नेताओं का बॉडी लैंग्वेज कमाल का दिखा। एक दूसरे से बात करने में दोनों बिल्कुल नहीं हिचक रहे थे। आज की मुलाकात के बाद दोनों नेता कल फिर मिलेंगे और कल की मुलाकात में ही ट्रेड से लेकर टेरर तक पर बात होगी। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से सचिन अरोड़ा और अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सोचिए जरा, 10 हैंडशेक, एक बार दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर जिस तरह से हाथ उठाया दिखाने के लिए काफी, किस तरह की केमिस्ट्री इन दोनों ही वर्ल्ड लीडर्स के बीच में। मेरे दो सहयोगी सचिन अरोड़ा और अमित प्रकाश हमारे साथ महाबलीपुरम से लगातार बने हुए हैं, जहां पर ये पूरा एक्शन हो रहा है। सचिन, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक फैक्ट के इर्द गिर्द ये पूरा डिस्कशन, कहीं ना कहीं इस पर बात होनी चाहिए। आप 1.5 घंटे के अंदर अगर 10 बार हाथ मिलाएं और एक बार एक दूसरे का हाथ पकड़कर आप फोटो ऑप के लिए उसको दोनों हाथ उठाएं, ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि केमिस्ट्री कितनी गहरी है। नहीं, एक तो ये कि केमिस्ट्री कितनी गहरी है और दूसरा ये था कि मैं उस वक्त एक ये काउंटर करना चाह रहा था। आशुतोष जी बातें कर रहे थे, आशुतोष जी खुद इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, आशुतोष जी खुद डिप्लोमेसी को जानते हैं, तो आज की डेट में क्या मतलब डिप्लोमेसी के हिसाब से क्या करें? जब यूएनजीए जब हम गए थे, जब तब ये कह रहे थे कि ट्रंप जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है, वो किसी का नहीं हुआ, वो हमारे पास आ गए, ट्रंप को जरूरत नहीं है, तो क्या करते? ट्रंप को क्या कहते, आप हमारे कार्यक्रम में आ रहे हो, नहीं आओ, हम जो है अमेरिका से बात नहीं करना चाहते। ये कह रहे हैं कि एक यथार्थवादी है, तानाशाह है, चाइना से क्या बात करनी, चाइना से क्या कहते कि नहीं भैया, क्योंकि आपने पाकिस्तान को लेकर के बयान पलट गया था, हम तो आपसे युद्ध ही करेंगे और उस चाइना की हम क्या कहते, ये कहते कि हम आपको आंखें तराएंगे, जिस चाइना को एक गलती के कारण कौन लेके गया था कि हमें यूएनएससी में सीट मिलती थी, जिस यूएनएससी की सीट की आशुतोष बात कर रहे हैं, वो यूएनएससी सीट खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि हमें तो चाहिए ही नहीं सर, आप तो ये चाइना को दे दो। तो इन सालों के बीच में आप ये कह रहे हैं कि वो तानाशाह हो गया, तो फिर इसका मतलब डिप्लोमेटिकली तो फिर हम सबसे लिंक्स तोड़ दें, क्यों? क्योंकि उस लिंक में इन्वॉल्व आशुतोष जी मोदी है क्या? थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल बात किया कीजिए। और रही बात यहां की सिचुएशन बताऊं तो अब डिनर इस वक्त शुरू हो गया है, डिनर यहां से 7:20-7:25 तक, और मतलब आधा 20-25 मिनट तक और चलेगा, और उसके बाद यहां से रवानगी होगी शी जिनपिंग की, वो वापस जाएंगे और सुबह जो है 9:50 से टी सेशन के साथ ये दोबारा शुरू होगा और 10:50 पे डेलीगेशन लेवल टॉक्स आगे।
अमित प्रकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, वहां पर आप दो तीन दिन से वहीं पर मौजूद हैं, लोग क्या कह रहे हैं? हम लगातार एक्सपर्ट्स जो महसूस कर रहे हैं वो तो अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं, वहां पर जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? उन्हें अमित की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है किसी तकनीकी खामी के चलते। चलिए उस ग्लिच को फिक्स कराएंगे। लेकिन कई खास मेहमान, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयकित त्रिपाठी जी, हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद है डिप्लोमेसी में हमेशा ये बात कही जाती है कि सारे चैनल्स खत्म हो जाए, फिर भी कम से कम एक चैनल बातचीत का, एक रास्ता खुला होना। देखिए, दुश्मनी या दोस्ती कूटनीति में अपने अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से होती है, और राष्ट्रीय हित नहीं बदलते लेकिन परिस्थितियां बदलती, उस हिसाब से दुश्मनी या दोस्ती का पैमाने भी या क्वांटिटी भी बदलती रहती है। अब आज के डेट में चीन को भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को चीन की जरूरत है, क्योंकि चीन को अमेरिका को काउंटर करना है, चीन का बिजनेस अमेरिका से कम हो रहा है, चीन का बिजनेस भारत से चीन को बढ़ाना है, निवेश चीन का भारत में हुआ है, चीनी व्यापार जो है व्यापार के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा ही चीन के फेवर में झुका हुआ है। उस हालत में ये देखना है कि चीन कितनी पाकिस्तान की मदद कर सकता है, उसकी भी एक सीमा होती है, क्योंकि पाकिस्तान की उपयोगिता चीन की नजरों में कितनी है, कितनी बढ़ी है या घटी है। अब धीरे धीरे घट रही है, और इसलिए चीन के बातों से, चीन के बहुत ही, चीन ने बड़ा अड़ंगे वाला रवैया अपनाया था, धीरे धीरे उसमें कमी हुई, और देखिए आते आते इस बार मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कर, वो भी इसी साल हुआ है, ऐसा नहीं कि सदियां बीत गई हों, इसी साल हुआ है। अमित प्रकाश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो लोकल लोग हैं, जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, वो प्रेसिडेंट शी की इस विजिट को कैसे देख रहे हैं, वो कैसे? मैंने सुन लिया था आपका सवाल, बिल्कुल मैंने आपका सवाल सुन लिया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसमें दो चीजें हैं। इनक्रेडिबल इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं, अब वो ये कनेक्ट महसूस कर रहे हैं कि जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है, स्टेट हेड आता है, वैसी स्थिति में हम दिल्ली और हैदराबाद और तमाम आगरा, इन जगहों की जितनी इम्पोर्टेंस है उस स्टेट हेड को वेलकम करने में, उतनी ही इम्पोर्टेंस अब हमारी भी है। हमारे यहाँ भी अब दूसरे देशों के जो स्टेट हेड है वो आते हैं, और इस बार आए हैं।